हाय गाइस, ये रिश शहजाद अहमद एंड वेलकम इलेक्शन नंबर 90। आज हम डेज अंटिल इवेंट के बारे में देखते हैं कि आपको पता है कि एक इवेंट है हमारे पास, फॉर इंस्टेंस कि वो 4 दिन के बाद आना है। एंड अब अपनी वेबसाइट पे जो है अपडेट करना चाहते हैं कि अभी 8 डेज रिमेनिंग है, 4 डेज रिमेनिंग है, या 1 डे रिमेनिंग है, या जैसे वॉट एवर आप करवाना चाहें। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो हमें बता रहा है कि 8 डेज रिमेनिंग। इसे आप डिम में रख सकते हैं, जैसे चाहे रख सकते हैं, हमने सिंपल रखा हुआ है आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं एंड वापस चलते हैं अपने कोडिंग में। एंड आपको पता है कि मेरे पास jQuery अटैच्ड है, jQuery की फाइल जो मैंने jQuery.com से डाउनलोड की थी एंड अपने JS के फोल्डर में रखी हुई है, वो हमने अटैच की हुई है अपनी मेन फाइल में, जो डेज अनटिल इवेंट डॉट एचटीएमएल के नाम से हमने बनाई हुई है। एंड आप यहां देख सकते हैं कि हमने जस्ट एक डिव है हमारे पास एंड उसकी आईडी जो है फीडबैक है। ठीक है, हम स्क्रिप्ट में आते हैं। सबसे पहले हम अपने डॉम को रेडी करते हैं। ठीक है, जैसे ही डॉम रेडी होगा तो हम अपना हैंडलर बनाते हैं, इवेंट हैंडलर। एंड आपको पता है कि जैसे ही डॉम रेडी हो, सबसे पहले तो हमें जो है इवेंट चाहिए कि हमारा इवेंट है कब। आप देख सकते हैं कि मेरे पास करंट डेट आप देख सकते हैं कि मेरे पास करंट डेट है, 20 डेट है एंड फर्स्ट मंथ है 2015 जो है मेरे पास है। ठीक है, हम करंट अंडरस्कोर टाइम जो है हम लेते हैं, फॉर इंस्टेंस हम एक स्ट्रिंग में रखते हैं उसे। एंड स्ट्रिंग में क्या रखते हैं, फॉर इंस्टेंस 20 हमारे पास जनवरी है, जनवरी 2015, ठीक है। एंड हम एक फीडबैक की जो हमने डिव बनाई थी, हम उसे कॉल करते हैं एंड डॉट टेक्स्ट जो करंट डेट है वो हम उसे दे देते हैं। ठीक है, करंट डेट वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास शो हो रही है बट ये स्ट्रिंग है। ठीक है, हमें जो है डेट चाहिए, तो हमारे पास एक डेट का फंक्शन है, डेट पार्स। ठीक है, पार्स का फंक्शन है एंड हम ये वैल्यूज़ हम उसे दे देते हैं। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इंटीजर्स में वैल्यू आ चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रिंग है, वो क्या करता है, डेट डॉट पार्स जो स्ट्रिंग है हमारी उसे जो है कन्वर्ट कर देता है इंटीजर्स में। एंड ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है, जिक्यूरी की नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा जीरोज़ हैं, हम क्या करते हैं कि इन्हें ख़त्म करते हैं, जो मिली सेकेंड्स से हैं हमारे पास हम डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जस्ट जो है हमारे पास सेकेंड्स रह गए हैं, डेज एंड वट एवर जो दिया। ठीक है, एंड अभी हम क्या करते हैं, हम जो है नीचे लेके आते हैं, हम जो फ़िलहाल जो है करंट टाइम हमारा क्या चल रहा है, ये इवेंट है हमारा इवेंट। ठीक है, इवेंट एंड देन हम करंट टाइम हम लेते हैं। आपको पता है कि हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं हमारे, एंड देन वेरिएबल्स करंट टाइम। आपको पता है कि हमारे पास jQuery डॉट नाउ का फंक्शन है, वापस जाएंगे एंड करंट में हम डालते हैं। ठीक है, करंट अंडरस्कोर टाइम ये था हमारा, वो हमारा इवेंट था जो हमने ऊपर बनाया था। ठीक है, करंट टाइम आप देख सकते हैं कि हमारे पास करंट टाइम आ रहा है, बट जो है हमने ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय 100 जो है वो 1000 किया हुआ था, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, जो मिली सेकेंड्स हैं, आप देख सकते हैं कि हमने उन्हें हटा दिया, जस्ट ये सेकेंड है हमारा, बट आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिर भी डॉट आ रहा है, हमें डॉट नहीं चाहिए। दैट्स वाई हमारे पास एक और फंक्शनैलिटी है जो है मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है, हम रैप कर देंगे, हम जो है
वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डॉट जो है उसने ख़त्म कर दी, बिकॉज हम आपको अभी दिखाते हैं जो डॉट के बाद वैल्यूज़ हैं ये हमारे काम की नहीं है, एंड सेकेंड्स हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर सेकेंड के बाद वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, दैट्स वाई हमने फ्लोर के अंदर रखा। ठीक है, हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं कि हम अपने जो है सेकेंड्स हम मालूम करते हैं, सेकेंड मालूम करते हैं कि हमारे पास सेकेंड्स हैं कितने, जो हम मालूम करेंगे इवेंट एंड माइनस करेंगे करंट टाइम को। ठीक है, एंड जो हमारे सेकेंड्स हम यहाँ दे देंगे फिलहाल के लिए सेकेंड्स, हम देखते हैं कि सेकेंड्स हैं कितने हमारे पास। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सेकेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, हमें जो है सेकेंड्स मिल गए, अब हमने डेज बनाने हैं। ठीक है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं डेज का, एंड हम जो हमें सेकेंड्स मिल रहे हैं, सेकेंड्स मिल रहे हैं, हम क्या करते हैं उन्हें डिवाइड करते हैं किससे, एंड आपको पता है कि हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाय ओ सॉरी 60 60 होंगे, 60 बिकॉज सेकेंड्स भी 60 होते हैं एंड मिनट्स भी, एंड देन डेज जो है वो 24 होते हैं। अब हम जैसे ही डेज को प्रिंट कराएंगे, आप देख सकते हैं कि हमें वैल्यूज़ मिल रही है, बिकॉज ये हमें ये वैल्यूज़ मिल रही है। हम फ्लोर का फंक्शन लगाएंगे, मैथ डॉट फ्लोर एम बड़ा होगा, मैथ डॉट फ्लोर रैप कर देंगे इसे। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ठीक है, एंड हमने आज की ही डेट लगाई हुई थी, जो है हमारा इवेंट था, हम डेट को चेंज कर देंगे कि हमारा इवेंट आज से 4 दिन के बाद है। ठीक है, तो 24 लगा देते हैं हम। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 डेज बाद हमें बता रहा है, बिकॉज हमारा जो इवेंट है वो 3 दिन के बाद आना है। ये हमारा जो है इवेंट है हमारा वो करंट इवेंट। ठीक है, हम यहाँ से जो है जस्ट जो है अभी का जो है नाउ का टाइम ले रहे हैं कि अभी हमारे पास टाइम क्या हुआ है। ठीक है, एंड हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सेकेंड्स ले रहे हैं, कितने सेकेंड्स ले रहे हैं, जो इवेंट है उसे माइनस कर रहे हैं आज के टाइम से। ठीक है, जाहिर सी बात है हम इवेंट को माइनस करेंगे आज के टाइम से तो हमें पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। हम एक वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं जो सेकेंड का वेरिएबल है। अब हमारे पास जस्ट जो है सेकेंड्स हैं, यहाँ तक हमारे पास जस्ट सेकेंड्स आए हुए हैं। ठीक है, अब हमें उन्हें डेज में जो है वो कन्वर्ट करना है। हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड्स को जो है डिवाइडेड कर रहे हैं, 60 हमारे मिनट्स हैं एंड 60 हमारे जो है सेकेंड्स हैं एंड 24 हमारे आवर्स हैं। ठीक है, आवर सॉरी जो है मिनट्स एंड सेकेंड्स, मिनट्स आवर्स। ठीक है, हम यहाँ से मैथ फ्लोर इसी वजह से हम लगा रहे हैं, बिकॉज वो हमें डेसिमल में वैल्यू दे रहा है, हमने ये फंक्शन इसी वजह से लगाया है। जैसे ही ये हमें कैलकुलेट होके मिलेंगे हमारे डेज, वो हम एक वेरिएबल में डाल रहे हैं, एंड वेरिएबल को हम जो हमने फीडबैक के नाम से टिप दी हुई थी उसे हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, 3 लिखा हुआ है, जस्ट आप जो है कॉन्केटिनेट करेंगे स्ट्रिंग के साथ, एंड आपको पता है कि स्ट्रिंग के साथ डेज रिमेनिंग वट एवर आप जो भी लिखें। ठीक है, एंड थोड़ा सा स्पेस दे दें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रॉपर जो है डेज बता रहा है कि 3 डेज रिमेनिंग है। अगर हम आज से जो है 29 की डेट देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 8 डेज बाद बता रहा है वो हमें कि इवेंट आपका 8 डेज के बाद है। ठीक है, अगर हम जो है 26 देंगे, सॉरी 26 देंगे तो आपको पता है कि 5 डेज के बाद बता रहा है, बिकॉज करंट टाइम आज हमारी 25 है। ठीक है, 25 आज का डे हमारा आधा हो चुका है या जो है तकरीबन गुजर चुका है, इसी वजह से वो 5 दे रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे जो है सिंपल जो है ये कैलकुलेशन कर सकते हैं विथ जो है जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी यूज़ करके एंड जेक्यूरी नाउ की फंक्शनैलिटीज यूज करके, एंड थोड़ी सी अपनी लॉजिक जो हमेशा बनती है। ठीक है, तो आप जो है ऐसे इवेंट जो है बना सकते हैं। आपको पता है कि इवेंट्स बहुत ही जो है ज़रूरी होते हैं, बिकॉज अक्सर आपकी वेबसाइट्स में देखा होगा कि कोई भी जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले वो जो है लिखा हुआ होता है कि इतने डेज रिमेनिंग है, इतने डेज के बाद हम जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, या वट एवर जो भी आप करना चाहें।
तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड जो है वो कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज़ आप जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे, फीडबैक नहीं देंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम काम कैसे कर रहे हैं, एंड आप जो है कितनी कितने लेवल पे सीख रहे हैं, और हमें क्या क्या जो है इंटीग्रेट करवाना चाहिए आपको, और कौन कौन से जो है कोर्सेज आपको चाहिए ताकि हम वो जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।